हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दिखा रहा हूँ अपना सरकारी क्वार्टर, जो आज मुझे इशू मिला हुआ है। सरकारी क्वार्टर, ये एंट्री है गेट से, यहाँ से हम तक आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखो, ये है लॉबी, लॉबी में शीशा लगा हुआ है। और ये है किचन, ये है किचन, किचन में शेल्फ डली है। एग्जॉस्ट फैन यहाँ पे उन्होंने शेल्फ में लगाया था, उसको बंद कर दिया और नीचे में दूसरा होल खोद के यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाया। ये गैस चूल्हा, यहाँ पे गैस की कनेक्शन पाइप, जो पाइप गैस लाइन लगती है यहाँ पे, इसमें सीधा गैस यहीं से आती है और यहीं से हमारा चूल्हा जलता है। ये देखो, मैं दिखाऊंगा आपको जला के, इसको यहाँ से ऑन करना है। और ये देखो, ये जल गया गैस, ऐसे जलता है ये, यहाँ पर सिलेंडर की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर ये जो पहला रूम है हमारा, ये छोटा रूम होता है, ये 10x12 का रूम है। ये यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, ये मेरा ड्रेसिंग रूम है यहाँ पे। और एक तो ये रूम है, पर्दे लगे ऊपर, फूल रखा हुआ है, अभी सजाया हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी शिफ्ट हुए हम। पहले हम दूसरे क्वार्टर में रहते थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्ट था। ये मेरे नाम पे क्वार्टर हुआ है, तो मैं आज दिखाना चाहूँगा आपको। यहाँ पे ये गैलरी है, इसमें सामान सामान भी रख सकता है, जूता वगैरह जो भी है, यहाँ पे आप इसमें डैम्प कर सकते हो जो भी है। सिलेंडर भी है मेरे पास में, क्योंकि मैं पहले बाहर रहता था तो मेरे पास सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती थी। अभी यहाँ पर PNG है, तो पाइपलाइन से ही आता है गैस। बाहर की बहुत बढ़िया धूप आ रही है यहाँ पर होता क्या है कि गर्मी में थोड़ा सा ऊपर वाले फ्लोर में थोड़ा परेशानी होती है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा लगती है। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा ये अंदर वाला रूम, ये भी थोड़ा इससे बड़ा है, थोड़ा सा इससे बड़ा है। ये देखो, डबल बेड लगा हुआ है और अच्छा वाइट वॉश किया हुआ है। यहाँ पे एक खिड़की बनी हुई है, और नीचे अगर AC लगाना चाहे तो यहाँ पे क्लंप लगा हुआ है, कूलर भी लगा सकते हैं, पर AC लगाने का प्लान है अभी फ़िलहाल, तो गर्मी इतनी नहीं है, तो मैं इसमें गर्मी मई या जून में देखता हूँ, जब गर्मी का आगाज़ बढ़ेगा तो उसमें AC लगाने की सोचूंगा। यहाँ पे, यहाँ पे मेरा मंदिर है, जहाँ मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ भगवान जी की, अपनी माता रानी की पूजा करता हूँ यहाँ पे। यहाँ बच्चों की किताबें वगैरह हैं, और ये मेरा रात को देखने के लिए LED लगा रखा है घर में। बाकी तो क्वार्टर तो ठीक है, ये टाइप 2 क्वार्टर है, हमें टाइप 3 अलाउड होने वाला है अगले शायद कुछ दिनों के बाद, मुझे टाइप 3 मिलेगा, पर मैं इसको शिफ्ट नहीं करूँगा, बहुत परेशानी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि इतनी परेशानी होती है, क्योंकि सबसे पहले जल बोर्ड से आपको अप्लाई करके कनेक्शन लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड से जो है अप्लाई करके कनेक्शन लेना पड़ता है, वो जल्दी नहीं लगाते हैं, 5-5, 7-7 दिन का टाइम लगाते हैं। और उसके बाद में आपको गैस कनेक्शन के लिए, उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, अपलोड करने के बाद में तब जाके वो आपको कनेक्शन के लिए आएंगे। फिर वो बोलेंगे अगर आपको ग्रेडेशन कराना है, मॉडिफिकेशन कराना है किचन का, तो ऊपर, क्योंकि पहले क्या करते थे कि पाइपलाइंस नीचे लगाते थे किचन में, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले पाइपलाइंस यहाँ रहती थी नीचे किचन में, वो पाइपलाइन देखो दिख रही होगी आपको, मगर अभी ये इनका एक पॉलिसी आई है कि पाइपलाइन नीचे में खतरा होता है, इसलिए पाइपलाइन बाहर रहेगी, तो इसको पहले मॉडिफिकेशन करके, इसलिए 11 दिन का टाइम लेते हैं वो। और 11 दिन के बाद में जो है उसको, उसके बीच में वो मॉडिफिकेशन के लिए आते हैं और तब जाके कनेक्शन देते हैं, मतलब प्रोसेस में 15 दिन कम से कम लग जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा झंझट है, क्योंकि मैं पहले दूसरे क्वार्टर में रहता था, उसका कनेक्शन कटाया। ये है उसका, यहाँ पर टॉयलेट स्टैंडिंग सीट लगवाई मैंने, और ये है वॉशरूम, ठीक है, ये वॉशरूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस ठीक है ऐसे, मगर बाहर से तो ठीक है, टाइप 2 का इतना ही रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। और ये लॉबी है, लॉबी में काफ़ी मतलब आराम से आदमी बैठ के खाना वाना खा सकता है। ये है क्वार्टर टाइप 2, ये सेक्टर 5 RK पुरम के क्वार्टर्स हैं। अच्छा, मैं क्वार्टर की मेंटेन कराया था मैंने, इसमें कम से कम 1-1.5 महीने का टाइम लगा मुझे तैयार करने के लिए। अभी मैंने इसमें रिसेंटली शिफ्ट किया है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। हाँ, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर वाले फ्लोर में गर्मियों के टाइम में थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा होती है, क्योंकि छत आप देख रहे हो, छत थोड़ा नज़दीक है और हीट होती है छत, तो थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लगती है। ये ब्लॉक बाहर वाले का, और इसका तो हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट तो ज़्यादा है, इसमें तो गर्मी लगने का थोड़ा सा सवाल पैदा होता है, मगर फिर भी यहाँ दिल्ली का बताइए आपको, दिल्ली में गर्मी का तो ज़्यादा ही रहता है। और
बाकी सुफिशेंट है, सब बढ़िया है। यहाँ पर अलमीरा भी दे रखा है, देखो ये गर्ट अलमीरा अपनी दीवार में लगा हुआ है, इसमें मेरे कपड़े वगैरह टंगे हुए हैं, तो आप अपने सारा सामान जो इसमें रख सकते हैं। और बाकी यही टाइप टू की, वो टाइप थ्री देखेंगे आप, तो टाइप थ्री का थोड़ा सा सेम रहता है, थोड़ा सा उसका स्पेस बड़ा रहता है, पर कार्रवाई बहुत लंबी चौड़ी होती है। अब मैंने एक फ्रेंड का एक क्वार्टर को मैंने शिफ्ट मतलब अभी कैंसिल करवाया था, उसके लिए भी बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अप्लाई करना पड़ता है, दोबारा जाना पड़ता है, जाने के बाद में उसको कैंसिलेशन के लिए बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, जल्दी नहीं होता ये काम। पूरे जो जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे संभाल के रखने पड़ते हैं, जो आपने कनेक्शन लिया था उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स भी वो ढूंढते हैं उस टाइम में जब आपको कनेक्शन कटाना होता है। और जगह जगह अलग अलग जगहों पर है, क्योंकि सेक्टर 1 में है इलेक्ट्रिक बोर्ड का और जल बोर्ड का भी वही है, और सेक्टर 8 में है गैस का, दूर है थोड़ा सा, टाइम लगता है जाने में, और वहाँ भीड़ भी ज़्यादा रहती है। तो यदि किसी भाई ने अगर क्वार्टर अप्लाई करना है, तो अगर किसी ने मेरे से राय लेनी है, तो मेरे को कमेंट से पूछ सकता है कि क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो मैं उसे उसकी जानकारी दे सकता हूँ। अगर मुझे कॉल करना चाहे तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे सकता हूँ, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि क्या क्या कार्रवाई करनी पड़ती है अप्लाई करने के लिए, और कैसे कैसे इसका प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, और कितने दिनों तक आपका क्वार्टर मिल जाएगा। क्योंकि इसका सबसे पहले तो क्या होता है कि इसकी जब बीडिंग लगती है सरकारी को, CPWD की जब बीडिंग लगती है, तो 1 से लेकर 9 तारीख तक बीडिंग लगती है, उसमें आप अपने क्वार्टर की चॉइस देते हैं, 10 तारीख को उसका अलाटमेंट शुरू हो जाता है। अलाटमेंट शुरू होने के बाद में आपको CPWD में अलाटमेंट लेटर लेके जाना होता है, फिर जाके वो आपको क्वार्टरों की चाबी देके और आपको बताएंगे भाई क्या क्या काम कराना है। तो उसमें कम से ज़्यादा नहीं, अगर क्वार्टर की कंडीशन ठीक होगी तो जल्दी मिल जाता है, अगर क्वार्टर की कंडीशन ठीक नहीं है तो उसमें क्या है कि आपको थोड़ा टाइम लगता है, उसमें वाइट वॉश कराना होता है, जो भी टूट फूट होती है उसको ठीक करा के आपको 1-1.5 महीने का टाइम समय लग जाता है। और अच्छा दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद।